दोस्तों आज हम बनाएंगे चावल के खीर। ये खीर खाने में बहुत टेस्टी है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से हम जब खीर बनाते हैं तो ये उतना टेस्टी नहीं बन पाता जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके वो सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ जो सब रीजन की वजह से शायद आपके खीर भी ठीक से बनता नहीं है। मतलब इस वीडियो में आपको वो सारे ट्रिक्स का पता चल जाएगा जिसे आपको खीर बनाने का कोई भी कन्फ्यूजन आगे से तो नहीं होगा। तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध फुल क्रीम नहीं है, टोन्ड मिल्क है, लेकिन आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इस दूध में एक उबाल आने देंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खीर के राइस अच्छे से धो के लिए है। ये छोटे दाने के चावल होते हैं और ये चावल से खीर के खुशबू बहुत बढ़िया आते हैं। अब इस पूरे 100 ग्राम चावल को ऐसे थोड़े थोड़े करके दूध में डालेंगे और कलची से ऐसे चलाते जाएंगे। और खीर बनाते टाइम पे फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और हर 5-10 सेकंड के बाद हमें ऐसे चलाते जाना है। थोड़े देर तक चावल को हमने चला लिए है। अब 4 छोटे इलायची लेंगे और ऐसे तोड़ के इसमें डाल देंगे और फिर से एक बार चला लेंगे। आप देखिएगा चावल जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे ही ये दूध के ऊपर तैरने लगेगा और दूध भी गाढ़ा होते जाएगा। लेकिन खीर बनाते टाइम पे हमें एकदम ही इसे छोड़ के हटना नहीं है। हर 5-10 सेकंड के बाद ऐसे कलची से खरोचते हुए चारों तरफ से मलाई को दूध में मिलाना है और इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो चावल नीचे बैठ जाएगा और खीर जल जाएगा। और अभी हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, इस चावल को हम पूरे गलने तक पकाएंगे, क्योंकि चावल गलने से पहले अगर हम चीनी डाल देंगे तो चावल गलेगा ही नहीं और खीर का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाएगा। तो आप खीर बनाते टाइम पे ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये देखिए दूध अभी काफी गाढ़ा हो चुका है और ये देखिए चावल भी पूरी तरह से गल चुका है। चावल हाथ में लेने से ऐसे स्मैश्ड होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। अब इसमें हम 250 ग्राम चीनी मिलाएंगे और मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम, 2 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ता और थोड़े से किशमिश। और इन चीजों के साथ भी खीर को अच्छे से थोड़े देर चलाते हुए और पका लेंगे। चीनी डालने के बाद चीनी जैसे जैसे पिघलेगा तब खीर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। शायद ये चीज कैमरा से आपको सही से ना दिखे, लेकिन हमें थोड़े देर इस खीर को चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लेना है और आप भी बिल्कुल ऐसे ही करना। चीनी डालने के बाद थोड़े देर पका लेना, देखना खीर बहुत बढ़िया बनेगा। और अगर आपको खीर में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी खीर काफी बढ़िया ही बनते हैं। खीर हमारा बन चुका है। ये देखिए इतना सा कंसिस्टेंसी खीर के लिए ठीक है, क्योंकि खीर जैसे जैसे ठंडा होगा ये और थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो देखा दोस्तों, बन गया हमारा चावल का खीर। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप में। और कोई क्वेरी या सजेशन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।